Welcome to your own YouTube channel, Career Launcher Academy. Keep watching, keep learning. Dear friends, I hope you will be fine. In the previous video, हमने सीखा था कि वर्ब का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम था हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, तो आज हम वर्ब का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा पोजेशन। जब पोजेशन है उसके साथ हम हैव की फॉर्म लगाते हैं। जो हमारा पोजेशन है, पोजेशन उस वो हमें तीन टाइप शो करता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट के साथ हम लगाते हैं हैव। हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो हम अब आते हैं प्रेजेंट सेंटेंस के, प्रेजेंट पोजेशन के एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। ओके, हैज है हमारा मेन वर्ब, जो हैज है ना मेन वर्ब, वो ही की प्रेजेंट पोजेशन शो कर रही है। आई हैव अ फोन, मेरे पास है ना, मेरे पास एक फोन है, फोन जो हैव है मेन वर्ब, जो हैव है ना मेन वर्ब, वो आई की प्रेजेंट पोजेशन शो कर रही है। तो अब हम आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में हमारा लगता है हैड, तो हैड के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल का उपयोग करते हैं। तो पास्ट का फर्स्ट एग्जांपल है ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था, उसके पास एक पेन था। तो हैड हमारा मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है ना हैड, वो ही की पास्ट पोजेशन बता रहा है। ओके, जो सेकंड एग्जांपल दे रखा है ना, आई हैड अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था। दो हैड है ना हैड, वो मेन वर्ब हैड है ना, आई की पास्ट पोजेशन बता रहा है। ओके, तो हम आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में हमारा लगता है विल हैव, शैल हैव। ही विल हैव अ हाउस, जो विल हैव है ना वो मेन वर्ब है, विल हैव है मेन वर्ब, विल हैव है ना वो ही की फ्यूचर पोजेशन बता रहा है। ओके, सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस ध्यान से देखो। सेकंड सेंटेंस, वी शैल हैव टू काउ, शैल हैव है ना शैल हैव, ध्यान से देखो शैल हैव, मेन वर्ब है ना, वो वी की फ्यूचर पोजेशन बता रहा है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो हम आगे चलते हैं, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, ओके। तो वर्ब का सेकंड पार्ट होता है पोजेशन। पोजेशन के साथ हम हैव की फॉर्म लगाते हैं। पोजेशन हमें तीन चीज शो करता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट के साथ हम हैज हैव यूज करते हैं, हैज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हम प्रेजेंट पोजेशन का एग्जांपल देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, हैज है मेन वर्ब, हैज है ना हैज, वो ही की प्रेजेंट पोजेशन बता रहा है। ओके, सेकंड सेंटेंस है आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है, मेरे पास, तो हैव है मेन वर्ब, हैव है ना वो आई की प्रेजेंट पोजेशन बता रहा है। तो हम आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, पास्ट में हम सिंगुलर और प्लूरल का उपयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। तो हैड मेन वर्ब, जो हैड है ना ही की पास्ट पोजेशन बता रहा है। तो हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा, सेकंड एग्जांपल है हमारा आई हैड अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था। तो हैड है मेन वर्ब, जो हैड है ना आई की पास्ट पोजेशन बता रहा है। तो फ्यूचर पे आते हैं विल हैव, शैल हैव, जो विल हैव है ना आई वी को छोड़ के सबके साथ लगता है, शैल हैव है आई वी के साथ लगता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है
ही विल हैव अ हाउस, उसके पास एक घर होगा। तो विल हैव है ना मेन वर्ब, जो विल हैव है ना, विल हैव ध्यान से देखो, विल हैव वो ही की फ्यूचर पोजेशन बता रहा है। ओके सेकंड सेंटेंस पे आ गए हम, वी शैल हैव टू काउ। शैल हैव है ना, शैल हैव मेन वर्ब, जो शैल हैव है ना वी की फ्यूचर पोजेशन बता रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।